हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार और आपके अपने चैनल क्रिएट वेल्थ विद अभी के साथ। तो फ्रेंड्स, एक शेयर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो फंडामेंटली, टेक्निकली और फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही वाइड है। ठीक है, आने वाला टाइम नेटवर्किंग इन्हीं केबलों की ही जाल बनेगी पूरी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं स्टारलाइट टेक्नोलॉजी की। ठीक है, तो बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, आप देखोगे इनका पोर्टफोलियो देखोगे तो ये ऑप्टिकल कनेक्टिविटी सॉल्यूशन, फाइबर डिप्लॉयमेंट सॉल्यूशन, ठीक है, एफ टी टी एक्स नेटवर्क सॉल्यूशन, नेटवर्क मॉडर्नाइजेशन सॉल्यूशन, ठीक है, इससे रिलेटेड ये काम करते हैं। मेन अगर वन शॉट में आप वो देखोगे तो आने वाला टाइम, अभी 5G हमारे इंडिया में लॉन्च लगभग हो ही चुका है, आने वाले टाइम में ह्यूज ग्रोथ है। ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होती है नेटवर्किंग में यूज होती है, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और लार्जेस्ट है, मार्केट लीडर है इंडिया में प्रोडक्शन करने में ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल कनेक्टिविटी सॉल्यूशन, फाइबर डिप्लॉयमेंट सोल्यूशन, तो ये कंपनी का वेबसाइट था, इस पे और भी इंफॉर्मेशन है वो देख लेना। जो कंपनी का जो मेन वर्क है वो उनका यही है फ्रेंड्स, कि ये केबल सोल्यूशन और है ओवर द ईयर ऑफ बिकम लार्जेस्ट ऑप्टिकल फाइबर एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री। ठीक है, तो सबसे बड़े प्लेयर है और 10,836 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, आप और एक चीज देखोगे, रिटर्न ऑफ इक्विटी देखोगे 3 इयर्स का, तो 24.34% के हिसाब से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। डिविडेंड पे आउट भी अच्छा है इनका। और आप ये देखो, एनुअल इनकी जो सेल्स देखोगे 2432, 2262, 2622, 3000, ठीक है, इधर थोड़ी डाउन हुई, फिर 3000, 2100, इधर उतना वो नहीं, डिमांड नहीं था इसका, 3177 और 5000, ठीक है, 5000, 5154, फिर इधर 4825, ये कोविड वाला टाइम था। ठीक है, अभी इधर क्या है, अच्छी खासी सेल्स आप देख रहे हो, मतलब लगभग 80% सेल्स बढ़ी है। ठीक है, ओपीएम भी इसका 21% चला गया था। ठीक है, और आप अगर एक चीज देखोगे तो क्या है कि थोड़ी सी यहाँ पे चिंता वाली बात यह है कि इनका जो, फिर भी इन्होंने बीच में इनका 5000 के आसपास बोरोइंग हो गई थी, उसको इन्होंने कम किया है और अभी भी इनके पास इस बार फिर से बोरोइंग इनकी बढ़ी है, 2944 करोड़ की बोरोइंग है, रिजर्व इनके पास 2000 का है, तो थोड़ी सी ये यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है ये शेयर। बाकी फ्रेंड्स, इनके पास प्रोजेक्ट इतने हैं तो धीरे धीरे इस चीज को भी कम कर लेंगे। और अपना अभी इन्होंने काफी एक्सपेंशन किया हुआ है, क्योंकि आने वाले जो टाइम है, ये जो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स होंगे, ये मतलब ह्यूज डिमांड है इस प्रोडक्ट की। ठीक है, और आप देखोगे एफआईज ने भी अभी जून क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईज ने भी होल्डिंग बढ़ाई है, ठीक है, और प्रमोटर्स ने भी होल्डिंग बढ़ाई है। देख रहे 54 थोड़ा सा यहाँ पे कम किया इस क्वार्टर में, बट इधर आप देखोगे 53 था और यहाँ पे 54.36%, ठीक है, पब्लिक के पास भी है 29% होल्डिंग। तो ये इसका ओवरऑल जो भी था टेक्निकल, अरे फंडामेंटली था, तो कंपनी बहुत ही मतलब थोड़ा सा, एक अगर हम देखें तो एक जो थोड़ा सा दाग लग रहा है फ्रेंड, वो इसकी बोरोइंग को लेके लग रहा है। ठीक है, बट वो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है कि बोरोइंग, कंपनी है इतनी बड़ी, आप देखोगे रिलायंस के ऊपर कितना ज्यादा कर्ज है, बट क्या है, कंपनी पे आउट कर रही है टाइम टू टाइम और ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। मैनेजमेंट भी इस चीज को लेके काफी स्ट्रॉन्ग है और इनके पास बहुत ही ऑर्डर बुक इनका बहुत बड़ा है। मैं एक दिन शेयर कर दूंगा इसका ऑर्डर बुक, उसके लिए एक अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें मैं आपको शेयर करूंगा इसके कितने ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। ठीक है, ओके, स्टारलाइट टेक। देखो फ्रेंड, एक चीज देखो, जब भी ब्रेकआउट हो और उसको रीटेस्ट करे ना,
और खासकर ट्रेंड लाइन में तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप देखोगे ये यहां से ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ये यहां से ब्रेकआउट दिया, फिर से ये रिटेस्ट कर रहा है इस लेवल को। और उस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है जिसको इसने ब्रेकआउट करके यहां पे, जिस लेवल को यहां पे ये कंसोलिडेशन हुई थी और ये जो रेंज थी ये इसको ब्रेकआउट करके निकला था, रिटेस्ट किया, ठीक है, ये और होल्ड नहीं कर पाया था और फिर से यहां पे ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ का एक है जो कि काफी, आप देखोगे फ्रेंड वो शेयर है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, चलिए मैं उसको डिस्कस करूंगा। वो काफी शेयर वो चला हुआ है और अभी लेटेस्ट में बहुत ही अच्छा चला वो, तो अब मुझे लगता है इसका नंबर आ चुका है और यहाँ पे ये बार बार टेस्ट ले रहा है यहाँ पे, ठीक है, सपोर्ट ले रहा है। और अगर हम इसके एक बार वो देखते हैं तो लगभग 50 EMA को ये सपोर्ट कर रहा है, 50 EMA सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो एक बार अगर आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लेके चलिए, 250 का के आसपास रखिए, 245 के, लेकिन जो और इसकी ज़रूरत वैसे आपको पड़ेगी नहीं इतने लंबे स्टॉप लॉस की, ठीक है। बट और ये जो अभी लेटेस्ट टारगेट निकल के आ रहा ना, ये 20% आपका, 20% मुझे लगता है बहुत शॉर्ट टर्म में ये आपका टारगेट होगा 20% का, ठीक है। उसके बाद ये फिर नेक्स्ट हाई बनाएगा, तो ठीक है। ये स्टारलाइट का था, इसको आप देखिए मेरे रडार पे है, आज मैं भी इसमें बाइंग नहीं कर पाया, कल देखता हूँ अगर स्टेबल रहता है तो इसको बाई करेंगे। बाकी आपने विधि स्पेशलिटी में आपने देखा ही, अच्छा चला। DFM फूड फिर से एक बार हमें एक अच्छा प्रॉफिट देने के बाद हमने बुक भी किया था और दोबारा से फिर से उसी लेवल पे वो ट्राई कर रहा है, तो फिर से बाई बन सकती है वहाँ पे, ठीक है। और टेक महिंद्रा की आप अगर बात करते हो तो टेक महिंद्रा भी जो हमने रेंज दिया हुआ था कि 1440 और 1480-81 पे उसका ब्रेकआउट है, उस रेंज में हो रहा है कंसोलिडेट, तो वहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं डिप पे, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। तो मिलते हैं हम एक अगली वीडियो में, और प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़, ताकि मेरा भी, मैं भी थोड़ा मोटिवेट होता रहूं, ठीक है। इतनी गर्मी में वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए कि आपको आवाज़ क्लियर आए, तो ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।